जापान की शाही सेना ने सालों तक कोरिया, वियतनाम और फिलीपींस की लड़कियों को यौन गुलाम बनाकर रखा। ये कम उम्र की लड़कियां थी जिन्हें नाम दिया गया कम्फर्ट वुमेन। हर दिन 20 से 40 बलात्कार झेलती इन बच्चियों को एक केमिकल भी दिया जाता था ताकि वे प्रेग्नेंट ना हो। 90 के दशक में पीड़िताओं ने पहली बार अपनी सच्चाई दुनिया को बताई थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत में जापान के लाखों सैनिक जंग में उतरे हुए थे। उनके पास खाने पीने और गोला बारूद की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो शरीर की जरूरत पूरी करने के लिए लड़कियों की। जापान ने इसका भी तरीका खोजा। उसने कंफर्ट स्टेशन तैयार किया। ये वो इमारतें थी जहां खाने पीने की चीजों के साथ औरतें भी रखी जाती थी। ये सेक्स स्लेव थी जिन्हें इस आधार पर चुना जाता था कि वे यौन तौर पर एक्टिव ना रही हों। ऐसे में ज्यादातर बच्चियां ही कंफर्ट स्टेशन पर लाई जाने लगी। आमतौर पर गरीब घर की लड़कियों को टारगेट किया जाता। उन्हें किसी फैक्ट्री में काम के बदले अच्छे पैसों का लालच दिया जाता। परिवार के राजी होते ही लड़कियां ट्रकों में भरकर ऐसी जगहों पर भेज दी जाती जहां वे अकेली पड़ जाती। यहां वे कंफर्ट वुमेन कहलाती जिनका कोई नाम नहीं बल्कि एक नंबर होता था। कई बार सैनिक लड़कियों को गांव से जबरन भी उठा लाते थे। कोई उनका विरोध नहीं कर पाता था। रोज एक एक लड़की करीब 30 से 40 सैनिकों की जरूरत पूरी करती। विरोध पर मारपीट मामूली बात थी। वैसे कई संस्थाएं मानती हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के काफी पहले से ही जापान ने यौन गुलाम रखने शुरू कर दिए थे। यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के मुताबिक साल 1932 से अमेरिका के सामने समर्पण यानी 1945 तक जापान ने बड़ी ही संगठित तरीके से पूरी की पूरी सेक्स इंडस्ट्री खड़ी कर दी थी। इसमें लाखों लड़कियां कोरिया की थी तो बहुत सी वियतनाम, फिलीपींस और चीन से भी थी। कम्फर्ट वुमेन यानी आराम या राहत देने वाली महिला। युद्ध के दौरान महिलाओं पर हिंसा के ढेरों वाकई होते हैं लेकिन जापान ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। रेप से सहमी और चीखती हुई लड़कियों का गैंगरेप होता ताकि बाकी लड़कियों को उससे सबक मिल सके। अगर कोई लड़की यौन रोग से ग्रस्त हो जाती तो उसे या तो जला दिया जाता या बंदूक के कोने से मारकर उसकी जान ले ली जाती क्योंकि सैनिक गुलाम लड़कियों पर गोली भी खर्च करना नहीं चाहते थे। लड़कियां प्रेग्नेंट ना हो इसके लिए हर हफ्ते उन्हें एक इंजेक्शन दिया जाता। नंबर 606 नाम के इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स पर काफी बाद में रिसर्च हुई। इसमें पता लगा कि प्रेगनेंसी रोकने के नाम पर दिए जा रहे इस केमिकल ने लाखों लड़कियों की सेहत खत्म कर दी। हर थोड़े दिन में इस जहरीले केमिकल की मात्रा शरीर में जाने के ढेरों साइड इफेक्ट भी होते रहे जिसमें से कुछ वैजिनल ब्लीडिंग, पेट में लगातार दर्द, वजन कम या ज्यादा होना, उल्टियां होना या फर्टिलिटी खत्म हो जाना शामिल था। युद्ध खत्म होने और जापान के अमेरिका के सामने सरेंडर के बाद भी यौन गुलाम की तरह सालों या महीनों काट चुकी लड़कियां सामान्य जिंदगी नहीं जी सकी। ज्यादातर किसी न किसी स्थायी विकलांगता से जूझ रही थी। किसी की आंखें फोड़ दी गई थी, किसी के हाथ पैर काट दिए गए थे, बहुतों के शरीर पर गर्म लकड़ी से कुछ न कुछ उकेर दिया गया था। लगभग सब भीषण ट्रॉमा से जूझ रही थी। कईयों ने घर लौटना भी चाहा लेकिन वहां समाज ने उन्हें अपनाया नहीं। छोटी उम्र में एकाएक लापता हुई लड़कियां फिर हमेशा के लिए लापता हो गईं। जो बाकी रहीं उनमें से कुछ ने आवाज उठाई। अपनी कहानी कहने वालों में सबसे पहली महिला थी किम हक सुन। अगस्त 1991 में किम टेलीविजन पर आई और अपनी कहानी सुनाई। इसके बाद कम्फर्ट वुमेन नाम की अफवाह को एक चेहरा मिला। इससे पहले दब छिप कर ही बात होती रही थी, फिर तो चेहरे से चेहरे जुड़ते ही चले गए। ये वो औरतें थीं जिनके शरीर और दिमाग अब भी कंफर्ट स्टेशन के जख्म झेल रहे थे। संयुक्त राष्ट्र ने जापान की इंपीरियल आर्मी की जघन्यता को इतिहास की सबसे बड़ी सेक्सुअल स्लेवरी माना। कोरियाई महिला हांग सोगुन की कहानी ने सब लोगों को रुला कर रख दिया। उन्होंने बताया कि मैं 17 साल की थी जब कुछ सैनिक घर आए और ट्रक में बिठा कर दूर ले गए। ट्रक में मेरी उम्र की और भी लड़कियां थी। लंबे सफर के बाद हमें एक नदी के पास बनी सूनी फैक्ट्री में छोड़ दिया गया। हर लड़की को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। हर कमरे का एक नंबर था। कई घंटों बाद एक सैनिक मेरे कमरे में आया, रेप किया और मारपीट कर चला गया।
कमरे के बाहर बहुत से सैनिक थे। वे बारी बारी से अंदर आते और रेप करके मुझे दूसरे के हवाले कर देते। उस एक रात में कितने लोग मेरे कमरे के अंदर आए मुझे याद नहीं। विरोध पर गैंग रेप होता और फिर कपड़े उतार कर बर्फीली पड़ी नदी में फेंक दिया जाता। बाद में मुझे पता चला वो मुंडन नदी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको हमारी ये मेहनत कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।